इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि मर्चेंट नेवी एंड इंडियन नेवी दोनों अलग चीज है। भाई अलग चीज है, हम लोग सी फेरर्स है, मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। हम लोगों को बहुत सारे सवाल ऐसे पूछा जाता है, जब पूछते हैं लोग तभी हम लोगों को लगता है कि यार ये लोग तो कुछ और ही सोच रहा है। मतलब मुझे ऐसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि तुम लोग रहते कहाँ हो, क्वार्टर मिलता है कि नहीं, या फिर पोस्टिंग कहाँ पे है। तो ये जो सारे डाउट्स है इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। मैं हूँ सायंतन चटर्जी एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर जहाजी। तो शुरू करते हैं इंडियन नेवी या फिर डिफेंस नेवी से। इंडियन नेवी या फिर डिफेंस नेवी ये एक नेवल आर्मी होता है जो अपने देश के लिए लड़ाई का काम करता है, मतलब एक सेना होता है। इनका शिप्स जो होते हैं ये तो स्टेबिलिटी लॉज तो सेम, जो भी वेसल का स्टेबिलिटी है वो तो सेम ही होगा, चाहे वो मर्चेंट नेवी हो या फिर चाहे वो इंडियन नेवी हो, मतलब डिफेंस नेवी हो, इनका स्टेबिलिटी सेम रहता है। जो नेविगेशन इक्विपमेंट्स रहता है वो भी अक्सर सेम रहता है, बिना वो सारे इक्विपमेंट्स का वो नेविगेट नहीं कर सकते, या फिर इंजीनियरिंग भी इनका सेम रहता है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो है इंडियन नेवी अपना जो बॉर्डर होता है देश का, इंडियन नेवी हो या फिर डिफेंस नेवी हो, कोई भी कंट्री का नेवी हो, वो अपना देश का बॉर्डर को सिक्योर रखते हैं एंड उनके शिप में वो सारे फाइटिंग इक्विपमेंट्स रहता है। मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी या फिर मर्चेंट शिप्स, ये हम लोग ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। जैसे समझ लीजिए अपने कंट्री में एक ट्रक है, ट्रक का काम कैसा रहता है, ट्रक में लोड करते हैं हम लोग सामान एंड वो ट्रक चला जाता है दूसरे सिटी में। तो एक सिटी से दूसरा सिटी में ये लोग रोम करते हैं एंड कार्गो कार्गो या फिर जो सामान होता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। सिमिलर अपना जो काम होता है शिप का जो काम होता है वो हम लोग भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लेकिन क्वांटिटी इनका बहुत हाई रहता है और हम लोग पानी के रास्ते से जाते हैं। जहां पे हम लोग पानी के रास्ते से जाते हैं तो हम लोग और ज्यादा सैर कर सकते हैं एक सिटी से दूसरा सिटी, समझ लीजिए कोलकाता से मुंबई जा सकते हैं या फिर मुंबई से एकदम सीधा ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। तो ये होता है मर्चेंट नेवी का काम। इंडियन नेवी का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, जो सैलरी मिलता है उन लोगों को, वो टोटली गवर्नमेंट पेमेंट होता है, मतलब वो लोग का नौकरी जो है वो सरकारी नौकरी होता है। लेकिन जो मर्चेंट नेवी का होता है वो सरकारी नौकरी नहीं है, वो टोटली प्राइवेट नौकरी है। हालांकि हम लोगों का जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के पास भी एक शिपिंग कंपनी है, SCI मतलब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो इनका मर्चेंट शिपिंग है। लेकिन ये भी एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, ये प्राइवेट ही है। आप अगर SCI में काम करते हो तो आपके पास कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं रहेगा, आपको प्राइवेटली ज्वाइन करना पड़ेगा एंड आप चाहो तो किसी टाइम में आप इसको छोड़ सकते हो एंड दूसरा कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और जहां तक सवाल है पोस्टिंग का, इंडियन नेवी का पोस्टिंग होता है जैसे आपका ये नेवल बेस होता है, या समझ लीजिए जहां जहां है इंडिया का नेवल बेस है, जैसे विशाखापत्तनम में एक बेस है तो आपका विशाखापत्तनम में पोस्टिंग हो सकता है, आपका मुंबई में पोस्टिंग हो सकता है। और जहां तक सवाल है मर्चेंट नेवी का, हम लोग का कोई पोस्टिंग के हिसाब से नहीं होता है, हम लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जॉब रहता है, मतलब जो कंपनी में हम लोग काम करते हैं वो कंपनी में जब ज्वाइन करेंगे हम लोग कोई शिप, ज्वाइनिंग के टाइम ही वो शिप का डिटेल्स बताया जाता है एंड हम लोगों को पता चलता है हम लोग कौन से शिप में ज्वाइन करने वाले हैं एंड वो शिप कहाँ कहाँ दुनिया का विजिट कर रहा है। मतलब समझ लीजिए मैं एक XYZ नाम का शिप में कंपनी में काम करता हूँ, उसका ABC नाम का एक शिप में हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो तभी जाके मुझे पता चला है कि ABC शिप में मैं ज्वाइन करने वाला हूँ एंड ABC ऑस्ट्रेलिया मुंबई एंड सिंगापुर के बीच में चलता है, तो मतलब वो मेरा रूट हो गया। तो इस हिसाब से बताया जाए तो मर्चेंट नेवी में कोई पोस्टिंग नहीं होता है, हम लोगों का बस सिप्स होते हैं।
और ये सिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक काम होता है, जैसे समझ लीजिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने का है या 6 महीने का या 9 महीने का है, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा एंड जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है या तो एक्सपायर हो जाता है तो कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं चाहूँ तो दूसरा कंपनी भी ज्वाइन कर सकता हूँ इमिडिएटली, या फिर वो कंपनी अगर मुझे पसंद आए तो मैं वहीं पे ही काम करूंगा, ये कंप्लीटली अपना चॉइस होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का डाउट अब तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।